हम समझ गए कि हमें क्या करना है। सिमी जान, तुम्हारे पास नगीना है? तौबा तौबा, नगीना तो नहीं है कोतवाल जी। मिस्र की दुनिया। और यही मिलेगी हमें दो राजा और एक रानी के मकबरों वाली मीनार। मेरे नूरे निगाह, मैं तलिस्मान के और करीब पहुंच गई हूँ। अब बहुत जल्द तलिस्मान हासिल करके मैं आगाज़े कयामत से पहले आपको जिंदा कर लूंगी। सिमी जान, अलीफी ने अली के बारे में बताते बताते बात बदल दिए। उन सब से दोबारा पूछो कि अली कहाँ है। हैदर जानना चाहती है, जिससे आप इतना प्यार करते हो वो सच में मर गए हैं? नहीं, वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। हमारा दिल कहता है कि वो कभी नहीं मर सकते, और अलीफी खुद भी मानती है कि बाबा सच में जिंदा है, और उसको तो ये भी यकीन है कि बाबा हमारे आसपास है। चलो खेलते हैं। हाँ चलो। मेरे मुताबिक पोया और नफी को अली के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, वो बस उसके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अलीफी को अली के बारे में कुछ तो पता है। अब हमें उस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि अब उसी से पता चलेगा कि अली जिंदा है या मर गया है। आज नहीं तो कल मुझे पोया और नफी को बाबा का सच बताना ही होगा कि जो हमारे साथ हमारे घर में छोटे कोतवाल बन के रह रहे हैं वो हमारे बाबा ही हैं। तौबा कोतवाल जी, ये चील काफी दूर से हमारा पीछा कर रही है, किसी खतरे का इशारा तो नहीं? ये मिस्र की चील है। मिस्र की चील? हाँ, मिस्र की चील। हमने कई किस्से सुने हैं मिस्र और मिस्र की चील के बारे में। मिस्र एक जादुई सल्तनत है, यहाँ पर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। ये उतना ही मुश्किल है जितना 40 चोरों की गुफा में दाखिल होना। जैसे सिमसिम उस गुफा की पहरेदार है, ये चील इस मिस्र की जादुई सल्तनत की पहरेदार है।
इसकी इजाजत के बिना यहाँ पर दाखिल होना आसान नहीं होगा। मेरे आका, ये मिस्र चील जिसे भी मिस्र में अंदर आने की इजाजत नहीं देता और वो फिर भी कोशिश करके जबरदस्ती अंदर आना चाहता है, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्या? हाँ आका, मेरा सर तो महफूज है, आप अपने सर को बचाइए। सिमिजानी चील हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है, हमें चौकन्ना रहना होगा। चौकन्ना तुझे रहना होगा कोतवाल, मैं सिमसिम हूँ, शैतानों की मलिका। बड़े बड़े शैतान मेरे सामने नहीं टिक पाए, तो इस मामूली चील की मेरे सामने क्या बिसात है। मिस्र की सल्तनत का पहरेदार है वो चील, वो तुम्हें आसानी से मिदास तक नहीं पहुंचने देगा। तुम्हारी परीक्षा चुनौतियों से भरी हुई होगी, मिस्र पहुंचने पर तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मौत के खौफ से मैं अपने बढ़े हुए कदम वापस नहीं ले सकता, अपनी मर्जीना को बचाने के लिए मैं मौत से भी टकरा जाऊंगा। सिमसिम, तुझे कैद करने के लिए आज मैं जान की बाजी लगा दूंगा, आज तुझसे मैं जान कर रहूंगा कि मेरी मर्जीना कहाँ है। अपनी मर्जीना को बचाने के बाद मैं तुझे और तेरे 40 चोरों को खत्म करके अपने लोगों को तेरे खौफ से आजाद कर दूंगा। दादी, होश में आइए, मुझे आपकी जरूरत है। बाबा उस सिम्मी जान के साथ ना जाने किस मकसद पे चले गए हैं और मुझे कहकर गए कि हमारे हर तरफ खतरा है। मैं उन खतरों को अकेले नहीं भाप सकती। दादी, आपके बिना मैं बहुत अकेली पड़ गई, उठिए ना। दादी, दादी, दादी उठिए। दादी, दादी, दादी उठिए। सिमसिम गुफा से बाहर आ गई है, अब मुझे मेरे मकसद में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दादी, दादी, हलीफी, हमारे घर में साया है, शैतानी साया। हाँ दादी, मैं जानती हूँ उस साए के बारे में, लेकिन आप घबराइए मत, जब तक बाबा नहीं आ जाते ना, मैं आपको घर नहीं लेकर जाऊंगी, बल्कि आपको किसी महफूज जगह रखूंगी। आप घबराइए मत दादी, यहाँ हर जगह खतरा है, आपका मेरे साथ होना और साए का आप पे हमला करना, ये बात बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, ये बस आपका और मेरा राज है। यहाँ पर इंसानों के नाम पर सिर्फ उनके कंकाल ही हैं। ये चील हमें यहाँ रोकने आई है, अगर हमने जोर जबरदस्ती से अंदर जाने की कोशिश भी की तो हमारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि तलिस्मान इतना जोखिम उठाने लायक होगा। 40 चोरों को मारकर जब उनका खजाना लूट लेंगे, तब जाकर ये सारी तकलीफें भूल पाएंगे हम। तलिस्मान की ताकत तू क्या समझेगा कोतवाल,
तू खजाना हासिल करने के लिए तलिस्मान ढूंढ रहा है और मैं अपने नूरे निगाह को दोबारा जिंदा करने के लिए। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की उसने मौत की तरफ अपने कदम बढ़ाए, क्योंकि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से सिर्फ आगे ही जाया जा सकता है, उस दरवाजे के अंदर। लेकिन एक दिक्कत है, अंदर जाने के लिए तीनों दरवाजों की कुंडियों को एक साथ एक ही वक्त पर खोलना होगा। और जो ये कर पाएगा सिर्फ वही अंदर जाएगा, और जो ये नहीं कर पाया वो मर जाएगा। तो अब हम समझे, तो इसलिए हड्डियों की दुकान यहां पर है। ये सारे वही बदनसीब इंसान हैं जिन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है। ये बदनसीब नहीं, ये तकदीर वाले हैं। इन्होंने बाहर रहकर भूखे पेट मरना चुना। जिन्होंने भी जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश की उनके सर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब यकीन आ गया, जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सिर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अंदर घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तीनों दरवाजों की कुंडियों को एक साथ एक वक्त पर खोला जाए। और तुम्हारा वक्त शुरू हो चुका है। तय वक्त पर अगर तुम दोनों तीनों दरवाजों की कुंडियों को खोलकर अंदर नहीं जा पाए तो ये दरवाजे बंद हो जाएंगे और फिर तुम भी बाहर भूखे पेट मरोगे इन हड्डियों की तरह। बेवकूफ, मैं शैतानों की मलिका सिमसिम हूँ। मैं खाने की भूख से नहीं, सिर्फ अपने इबलिस को दोबारा जिंदा करने की भूख से मर सकती हूँ। मुझे तलिस्मान तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस कोतवाल को चंद लम्हे के लिए बेहोश करके अपने जादू से इन दरवाजों के अंदर दाखिल हो जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? सिमसिम, यही तो कमाल है इस जगह का, यहां तेरा जादू काम नहीं करेगा। उस पाक जगह पर सिमसिम का जादू काम नहीं करेगा। यहाँ मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? अब मैं इस दरवाजे के अंदर कैसे दाखिल होंगी? हमारे पास वक्त बहुत कम है सिमीजान। हमें तय वक्त से पहले इन तीनों कुंडियों को एक साथ एक वक्त पर बंद करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर अंदर नहीं गए
यहीं बाहर भूखे मर जाएंगे। तलस्मान हासिल करने के लिए मुझे इस कोतवाल का साथ देना ही पड़ेगा। आराम से दादी, आराम से। खुसरो भाईजान, दादी की हालत अभी भी उतनी ठीक नहीं हुई है। कोई और नवी बाबा के ना होने से पहले ही बहुत मायूस है। अगर मैं उनके सामने दादी को इस हालत में लेके जाऊंगी तो वो और भी टूट जाएंगे। इसीलिए जब तक बाबा वापस नहीं आ जाते, क्या आप दादी को यहाँ रख सकते हैं? अल्फी, नूरा दादी हमारी भी तो दादी है और ये घर उनका भी तो घर है। तुम फिक्र मत करो, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? अलीफी, कोई बात है तो बताओ हमें, क्या हम तुम्हारे भाईजान नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, बस अभी मैं आप दोनों को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन जब सही वक्त आएगा तो मैं आप दोनों को सब कुछ समझा दूंगी। अच्छा, और वो सही वक्त कब आएगा अलीफी? बताओ तुम हमसे क्या छुपा रही हो, और तुम अभी इतनी भी बड़ी नहीं हुई हो कि ये सब कुछ अकेले संभाल सको। बोलो क्या बात है? हाँ अलीफी बताओ, किस बात से परेशान हो तुम? ऐसी कोई बात नहीं है भाईजान, बस बाबा के आने तक और दादी के ठीक हो जाने तक आप इन्हें यहीं रखिएगा। जैसे ही बाबा आ जाएंगे मैं इन्हें घर ले जाऊंगी। ठीक है, तुम परेशान मत हो, दादियां महफूज रहेंगी। अलीफी, मेरी बच्ची, सबर के रहना, जान इस चोर आसपास ही है। अलीफी, तुम भले ही हमें कुछ मत बताओ, लेकिन मैं पता करके रहूंगा कि तुम क्या छुपा रही हो। ये कुंडी तीन है और हम सिर्फ दो, एक साथ एक वक्त पर इन तीनों को खोलना बहुत मुश्किल होगा। वक्त भी बहुत तेजी से बीता जा रहा है। ये चील हमारी मदद कर सकता है ये तीसरी कुंडी खोलने में, पर ये हमारी मदद करेगा क्यों? ये तो यहाँ का पहरेदार है। सिमी जान, हमने अभी एक तरकीब सोची है कि कैसे इन तीनों कुंडियों को एक वक्त पर एक ही साथ खोल सकते हैं। तुम हमारे इशारे का इंतजार करना, जब तक हम इशारा ना करें तब तक कुंडी मत खोलना। नंबर भरोसा है ना? ताबा ताबा कोतवाल जी, आप पर भरोसा तो है, पर क्या है ना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए जो भी करना है जल्दी कीजिए। यहाँ का पहरेदार है ना तू, आज तेरी पहरेदारी को मैं नाकाम करने वाला हूँ। इन कुंडियों को हम नहीं खोल सकते, इस दरवाजे को तो उड़ा सकते हैं। हिम्मत है तो आकर बचा ले अपने इस दरवाजे को। अब इस दरवाजे को बचाने की कोशिश में ही तू इस दरवाजे की कुंडी खोल देगा। सिमी जान, अभी दरवाजा तो खुल गया। तौबा तौबा कोतवाल जी, आपने तो मुझे अपना मुरीद ही बना लिया। कितनी चालाकी से उस चील से दरवाजे की तीसरी कुंडी खुलवा ली। समझदारी और हिम्मत से इंसान किसी भी चुनौती को मात दे सकता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जिसके आगे एक समझदार इंसान भी बेवकूफ नजर आता है। शैतानी ताकत के आगे बेबस होते हैं इंसान। हम तो नहीं हुए थे, देखा नहीं था तुमने इबलिस को कैसे हमने अपनी गिरफ्त में कैद किया हुआ था। लेकिन वो आपके कैद में ज्यादा देर रहा नहीं, आखिर फरार तो हो ही गया ना। हूँ फरार हुआ था, इसीलिए तो अब हम इबलिस, सिमसिम और उसके 40 चोर सबको तलिस्मान की मदद से खत्म कर देंगे, और फिर गुफा में जो खजाना है उसे दो टुकड़ों में बांट लेंगे, आधा आधा। फिर चलिए
टुकड़े करने के लिए तो मैं भी बेकरार हूँ। जल्दी चलिए कोतवाल जी, तलिस्मान ढूंढते हैं। बेवकूफ इंसान, तलिस्मान मिलने के बाद मेरे इब्लिस खत्म नहीं होंगे, वो दोबारा जिंदा होंगे और उनके जिंदा होने के बाद मैं तेरे दो टुकड़े कर दूंगी।